नमस्कार, रॉयल गुजरात न्यूज में आपका स्वागत है। अहमदाबाद में इंसाफ सेना के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के उपाध्यक्ष कुंवर बादशाह सिंह की खास आगमन पर उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी समाज द्वारा आज उनका स्वागत विधि कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति दिखाई दी। देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैं बता देना चाहता हूँ कि 1964 में भारत को गोवा मिला, दमन मिला, दीव मिला, जिस पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा था उनको खदेड़ करके वो भारत के मानचित्र में सम्मिलित किया गया। 1974 में सिक्किम भी भारत का अंग बना और आज वो हमारा एक प्रांत है। क्या दूसरे की आलोचना करने वाले लोग कश्मीर को भारत में मिला करके भारत के मानचित्र का जो मान है और आधा कश्मीर जो हमारा पड़ोसियों ने हड़प लिया है क्या वापस दिलाएंगे? देश का युवा इस तरह की उम्मीद और आकांक्षाएं रखता है। हमारे देश में ऐसे ऐसे राजनीतिक लोग रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़ करके दो टुकड़ों में सब बांट दिया, आज एक बांग्लादेश के नाम से एक अलग देश है। लेकिन आज लंगड़ा पाकिस्तान भी सिर दर्द बना हुआ है। तो आज जरूरत है 21वीं सदी के भारत में उस दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व की जो बातें कम करे और काम ज्यादा करे। मेरा नाम कुंवर बादशाह सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से ताल्लुक रखता हूँ। दरअसल मैं 4 बार विधायक रहा हूँ, कैबिनेट मंत्री रहा हूँ। अपने लोगों से मिलने आया हूँ। ये सब हमारे कोई रिश्तेदार है, कोई मित्र है, कोई चिंतक है, कोई पड़ोसी है, और यहाँ आकर के ये लोग अपनी भी उन्नति कर रहे हैं और देश की प्रगति में भी योगदान दे रहे हैं। भेंट करने आया, उसका परिणाम आपको अपने आप दिख जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बता सकता हूँ, उत्तर प्रदेश के ही बारे में। हाँ, उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बताए दे रहा हूँ कि झूठ के पैर नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी वहाँ साथ देती है।